सभी लोग वहाँ पे नाचते रहे। तो जोरदार ताली बजा दो मेरे लिए। उस टाइम पे जब मैं छोटा सा था, डांस का जुनून आ रहा था, उस जमाने में वो गाने बहुत चलते थे। जुली 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 का दिल तुम मेरा जुली तेरे लिए चल जाऊं जुली जुली तो मेरी जान है जान है। धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का जो यहाँ पर बुलाया। थैंक यू मच। और इससे पहले कि वक्त बहुत कम है, सारे मेहमान बहुत सारे मेहमान यहाँ पर है और सबको कुछ ना कुछ बोलना है। मैं अपनी बात रख देता हूँ। 19 जुलाई को हमारी बिग बॉस एक अच्छा आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा ऑफिस में घर में बहुत सही बात ट्रू स्टोरी। हर गंजा जो रोज हर एक की कहानी सेम ही है, कैसे क्या होता है देखिएगा। बड़ी म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है। इसे आप बाल कलाकार से लेके बिना बाल कलाकार तक सब लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूर देखिएगा। 19 जुलाई को आ रही है पूरे हिंदुस्तान में बिग बॉस कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म है। एक कमाल ये है, दूसरी कमाल ये है। ये तो महान दादा साहब जिनको हम बचपन में देखा करते थे। मैं मुंबई की लाइफ में पहली बार जब आया था से 25 साल पहले, तो कोई फिल्म स्टार पहला देखा तो ये मुझे देखे थे। और बता दूं कहाँ, अंधेरी स्टेशन बस का इंतजार कर रहे थे। उस टाइम पेमेंट बस का पता क्या जरूरत थी, बस का बताना मतलब इतने डाउन टू अर्थ है ये कि उस टाइम भी बस में चलते थे। ये अलग बात है, आज किसी के बस में नहीं है। ये अलग बात है, बहुत अच्छा। नो योरसेल्फ फाउंडेशन और डांस फेडरेशन के इस तमाम टीम को मैं पहले से जानता हूं और बहुत मुबारक हो। ये नए नए डांसर्स को, नए नए कलाकारों को उनकी कला दिखाने का मौका मिल रहा है अलग अलग अंग की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि हमारी बिग बॉस की टीम जो 19 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये अच्छा काम करें और नए नए डांसर्स को मौका दें। छोटे छोटे गाँव से जो कस्बे से लोग आते हैं उनको बड़ा बनाए, यही शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से डांस एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया की सबसे नंबर 1 लैंग्वेज है, क्योंकि वो आपको आसानी से समझ में आती है। उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। तो डांस एक्सप्रेशन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना उसको डांस के ज़रिए जितना अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की भाषा है, इसको हर आदमी समझ पाएगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है डांस फेडरेशन, मेरी मुबारकबाद है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से डांसर इसमें से बाहर निकलेंगे। शायद आपने हमारी वो गाना सुना नहीं है, सांसों में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की, चोला चिंगारी जैसी वो यूपी की लड़की, कर गई बेकरार मुझको वो मेरे यार, दे गई इंतजार कचौड़ी अलीगढ़ की वो यूपी की लड़की। तो इसमें आप देखेंगे तो हमने डांस भी किया है और कॉमेडी भी। और यूपी के हर शहर में जो मिठाई फेमस है वो सब देख रहे हैं, यूपी को कवर कर लिया जी। फेडरेशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए टैलेंट को खोज कर ला रहे हैं, नए टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे जो जानकारी मिली 11 स्टेट इनके साथ जुड़ गए, तो धीरे से ये काम होता रहे। तो दुआ करता हूँ पूरे इंडिया के जितने वो इसके साथ जी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डांस फेडरेशन, नो योरसेल्फ फाउंडेशन और डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। करण जी और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, मेरी बिग बॉस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डांस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं खुद भी करती हूँ डांस, तो बहुत प्रैक्टिस होती है। डांस करने में पूरी जान निकल जाती है। तो जितने भी बच्चे हैं, जो भी न्यू हैं या जो पहले से कर रहे हैं, उनकी मेहनत मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़िए। मेरी और मेरी बिग बॉस टीम की तरफ से सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ये कहना चाहती है डांस जो है वो एक्सरसाइज है, अपने आप में एक योगा है। तो कम से कम अपने घर में ही डांस करके योगा कर सकते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं होती। इसकी यही मैं अभी बोलने वाली थी कि डांस करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने अभी लास्ट एक डांस का प्रोग्राम किया था, वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि छोटा बड़ा बुजुर्ग हर टाइप के लोग डांस कर रहे थे। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग करिए डांस, एक एक्सरसाइज ही है जो आप लोग कैसे भी करिए। आप ये मत सोचिए कि आप डांस कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। गणपति विसर्जन में जैसा डांस करते हैं, शादी बारातों में जैसा डांस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करिए, मगर कीजिए। डांस इंडिया डांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन डांसर्स को ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती नहीं है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं फेडरेशन ऑफ नो योरसेल्फ फाउंडेशन नो योरसेल्फ फाउंडेशन के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इनके साथ एक साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब ऐसे डांसर्स को जिनको कुछ नहीं आता है उनको यह प्लेटफॉर्म देती है। सो आई एम विद देम, थैंक यू सो मच। चलिए रमेश जी, शुभकामनाएं। नमस्कार। आज ही चालू हो गए। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नो योरसेल्फ फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टाइम की बहुत कमी है इसलिए इतना ही बोलूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि नो योरसेल्फ फाउंडेशन के लिए कि जो इन्होंने काम किया है, आई थिंक कि हिंदुस्तान में बहुत पहली मरतबा हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जुड़े हैं वैसे आप सब भी जुड़िए और नो योरसेल्फ फाउंडेशन को आगे बढ़ाइए और इसके साथ अपना कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया ये एक फेडरेशन बनाई गई है, खास डांसर्स के लिए बनाई गई है और द अपलिफ्टमेंट ऑफ डांसर्स। डांसर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 2016 से लेके अब तक 11 नेशनल और इंटरनेशनल हम लोगों ने टैलेंट हंट लिए हुए हैं और बस मेरे तरफ से भी शुभकामनाएँ सबको। थैंक यू। थैंक यू। नो योर फाउंडेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। डांस करना हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होने देता और डांस बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। इसलिए डांस इंडिया डांस, सब डांस करें और डांस का खूब मजा लें। जैसे कि डांस फाउंडेशन ऐसी बात पे अपना म्यूजिक रिलीज। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ डांस के साथ मेरा एक पंजाबी वीडियो होगा, पूरे हिंदुस्तान में डांस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नो योरसेल्फ एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है और एक NGO ने एक अच्छा काम किया है और बहुत सारे कलाकारों को इसमें इस प्लेटफॉर्म से काम मिलेगा। तो हम लोग आज आए इनको मुबारकबाद देने, एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है और मुझे लगता है कि ऐसा काम ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे टेक्नीशियंस को काम मिले। मुझे लगता है इस NGOs के जरिए काम मिलेगा और हम सब लोग जितने भी यहाँ पे सीनियर एक्टर हैं उनको दुआएं जाए हैं और कोशिश करता हूँ कि बस ये NGOs ऑनेस्टली काम करें, ऐसी दुआ करने आए। थैंक यू। थैंक यू दिलीप भाई। दिलीप जी क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल अली भाई ने कहा वो बहुत अच्छी बात लगी और ये मुझे लगता है कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का कोई NGO स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू डू मिरेकल्स इन आवर बॉलीवुड एंड इफ सीरियसली अगर इस पर मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ माइलस्टोन एंड वंडरफुल थिंग टू हैपन इन बॉलीवुड। वेरी गुड, करेक्ट कमल जी, बेस्ट विशेस फॉर दैट कमल।